दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान की अगुवाई में चयन बोर्ड में क्रमिक अनशन का आज चौथा दिन था। तो यहां से क्या अपडेट निकल के आ रही है इस वीडियो में देखेंगे। आपको बता दें, आज उप सचिव श्री नवल किशोर जी से वार्ता हुई है। वार्ता का क्या सार है, इसके अलावा छात्रों की अब आगे की क्या प्लानिंग है, सारी चीजें इस वीडियो में देखेंगे। साथ में बीएड बीटीसी विवाद सुप्रीम कोर्ट मामले को लेकर के भी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल के आ चुका है, तो इसको भी देखेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2023 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्छु पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है केवीएस 2023 का, जो भी लेटेस्ट पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये पुस्तक यहाँ पर लॉन्च की गई है। 2000 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। इसमें सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स को पॉइंट वाइज और डिटेल से बारीकी से समझाया गया। चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए, उनके व्याख्या भी दी गई है। केवीएस पीआरटी के अलावा भी इनके अलग अलग एग्जाम की बहुत सारी बुक्स आती है। ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टॉल पर आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन बाय करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। चलिए अब वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आपको बता दें, चयन बोर्ड में क्रमिक अनशन के चौथे दिन सचिव साहब की तरफ से प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता करने के लिए बुलाया गया, जिसमें विक्की खान और इनके अन्य कई साथी चयन बोर्ड में उप सचिव से वार्ता करने गए। वार्ता के बाद की जो तस्वीरें वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब वार्ता जो हुई है उसका सार क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रतियोगी छात्र मोर्चा की दो मांगे हैं कि जब तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा की डेट जारी नहीं की जाती है, तो आप लोग टीजीटी पीजीटी 2022 का अध्याचन पोर्टल खोल दीजिए और यहाँ पर जो भी पद खाली हैं मार्च 2023 तक जितने भी पद रिक्त हो रहे हैं, उन सभी रिक्त पदों का अध्याचन लीजिए और उन पदों को टीजीटी पीजीटी 2022 में जोड़िए। पहली मांग तो यही है। और दूसरी बात, अगर आपको ये नहीं करना है तो फिर आप टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट जारी कर दीजिए। ये दो मांगे प्रतियोगी मोर्चा की हैं। अब यहाँ पर जब उप सचिव श्री नवल किशोर जी से वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में परिस्थितियां उत्पन्न, उन परिस्थितियों में इन दोनों में से कोई भी काम नहीं किया जा सकता, ना ही अध्याचन पोर्टल खोला जा सकता है और ना ही परीक्षा की तिथियां जारी की जा सकती हैं। तो प्रतियोगी मोर्चा के विक्की खान का एक बड़ा और अच्छा सवाल था कि जब आपने विज्ञापन जारी किया, ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जून में विज्ञापन जारी हुआ था और उस समय चयन बोर्ड में कोई भी मेंबर नहीं था, तो जब विज्ञापन आप लोग जारी कर सकते हैं, ठीक है, तो पोर्टल क्यों नहीं खोला जा सकता है। यानी सिंपल सी बात है कि जब चयन बोर्ड में पैसे नहीं थे तो फॉर्म मतलब विज्ञापन जारी कर दिया, करोड़ों रुपए अभ्यर्थियों से ले लिए गए। आप लोग जानते हैं लगभग 13 लाख फॉर्म भरे गए, उन 13 लाख के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो 1 करोड़ के आसपास रुपए बैठता है, ठीक है। तो छात्रों कहना है कि भाई अगर आप परीक्षा तिथि भी नहीं जारी कर सकते, पोर्टल भी नहीं खोल सकते हो, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष साहब बैठे सैलरी ले रहे हैं लाखों रुपए महीना, ये किस बात के ले रहे हैं? काम करने के लिए ले रहे हैं ना, तो काम करें ना। अभी तो 3 महीना पहले इनकी ज्वाइनिंग की, आप लोग रिटायरमेंट की आप लोग जानते हैं, 3 महीना बचे हैं, 8 अप्रैल को इनका रिटायरमेंट होना है, ठीक है। तो अभी से छोड़ करके जाएं क्या करेंगे यहाँ बैठ करके? तो इनकी मांग है कि या तो भाई हमारे जो 1 करोड़ रुपए हैं सभी छात्रों को मिलाकर के वापस कर दीजिए सभी को। जब आप परीक्षा नहीं करवा सकते हैं तो पैसे वापस कर दीजिए, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है कि चयन बोर्ड पैसे तो लौटाएगा नहीं, तो कुल मिलाकर के सभी निरुत्तर दिखे। अब छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक हम यहाँ से सारी चीजें कर नहीं लेते हैं, तब तक यहाँ से हम उठने वाले नहीं, चाहे 4 दिन हो जाए या उससे भी ज्यादा दिन हो जाए, ठीक है। और अब छात्रों की प्लानिंग है कि कल सभी छात्र मिलकर के जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी को पत्र लिखेंगे और उनसे मांग करेंगे कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट जारी की जाए या फिर चयन बोर्ड के लिए का पोर्टल खोला जाए पदों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। तो कल भी छात्र चयन बोर्ड पहुंचेंगे क्रमिक अनशन के पांचवें दिन। साथ ही इनकी यह भी तैयारी कि सोमवार को अध्यक्ष साहब से वार्ता हो जाए और यही मांग उनसे भी रखी जाएगी कि अगर आप पोर्टल नहीं खोल सकते तो छात्रों के करोड़ों रुपए लौटा दो और आप 3 महीना पहले ही आप यहाँ से अपना इस्तीफा दे दो। तो ये सारी चीजें यहाँ से निकल के आ रही है और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से अपील करूंगा
कि आप लोग प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान और उनकी पूरी टीम का मनोबल बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा छात्र पहुंचे। बहुत से छात्र छात्राएं दूर दूर से यहां पर देखो आई हुई हैं, आप लोग तस्वीरें देख सकती हैं। तो जब महिलाएं जा सकती हैं, ठीक है, तो आप लोग भी जरूर जा सकते हैं। तो आप किसी भी जिले में रहते हो, कम से कम एक दिन दो घंटे के लिए आप लोग चयन बोर्ड में जरूर पहुंचे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर क्या आप वही सेम न्यूज रोज रोज लेकर के आ जाते हो, तो आपको बताना चाहूंगा कि भाई तुम्हारे ये जो प्रतियोगी मोर्चा की टीम अनवरत धरना प्रदर्शन रात दिन ठंडी में धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आप लोगों को जगाना मेरा काम है। ये खबर जो भी है आप सभी के लिए है, आप लोग जाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए, क्योंकि एक लोग के जाने से दो लोग के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। सब लोग सोचेंगे अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई दूसरा जाएगा, तो यही सब लोग जाते हैं। लेकिन ये लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन किस लिए कर रहे हैं? आप सबके लिए कर रहे हैं। आप सब जिस तरीके से बेरोजगार हैं, वैसे ये छात्र भी बेरोजगार हैं। तो कम से कम एक दिन तो आप लोग जा ही सकती हैं, तो आप लोग जरूर जाइएगा, ठीक है, मेरा अपील आपसे यही है। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो यहां पर बीएड डीएलएड विवाद को लेकर के फाइनल सुनवाई की डेट आ चुकी है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं देवेश शर्मा जो इस याचिका के मेन है, उनके तरफ से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट, बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस की फाइनल सुनवाई 10 जनवरी को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी और जस्टिस सुधांशु धुलिया जी की बेंच में होगी। अभी आइटम नंबर 44 दिखा रहा है केस स्टेटस में, लेकिन सुनवाई के समय सबसे पहले 1 से 5 तक आइटम जो है ये सुना जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका केस स्टेटस है और इसकी जो सुनवाई है 10 जनवरी 2023 को लगाई गई है। तो अब ये माना जा रहा है कि जो 10 जनवरी की सुनवाई है फाइनल सुनवाई हो सकती है और इस दिन फैसला आ सकता है। हालांकि आजकल जितने भी केसेस होते हैं उसमें ऑर्डर रिजर्व किए जाते हैं, तो अगर फाइनल सुनवाई हो गई तो यहाँ पर ऑर्डर रिजर्व किया जा सकता है। तो जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको सारी अपडेट फिलहाल देते रहेंगे। अंत में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट मामले को लेकर के। तो यहाँ पर आप लोग याचिका नंबर दे सकते हैं 17/313/2022। इस याचिका के जो पिटिशनर है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इनकी तरफ से याचिका जो लगाई गई, इसकी जो सुनवाई होनी है 9 जनवरी को केस लगाया गया है। 9 जनवरी को इस केस की सुनवाई होगी। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी वेटिंग लिस्ट मामले को लेकर के, तो चैनल के माध्यम से अपडेट हम आपको कर देंगे। बाकी जो अभ्यर्थी इस मामले को लेकर के लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो मैं इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, टीजीटी पीजीटी वेटिंग 2021 वालों का, तो वहां से आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।